दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको बरवक्त मिलती रहें। चलें अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो नाज़रीन, मेरी तरफ से सबको सलाम। आप देख रहे हैं किचन विद सीमा रमज़ान। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं तवा टिक्का बिरयानी। इस रेसिपी को मैंने पहले से रेडी कर लिया, इसका आपको लिंक मिल जाएगा। आई बटन को क्लिक करने से ये रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो चलो अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं बिरयानी बनाना। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऑलमोस्ट मैंने आधा किलो राइस लिए हैं, ये आप देख सकते हो, और मैंने इसे अच्छे से भिगो दिया। आधे घंटे के लिए मैंने इसे भिगो दिया और एक देचके में पानी ले लिया मैंने, ये देखें। अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। ये देखिए नाज़रीन, मैंने एक पतीले में पानी ले लिया है। अब इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच नमक डालूंगी और 2 ही खाने का चम्मच साबुत गरम मसाला, जिसमें काली मिर्च, तेज़पात, लौंग, ज़ीरा, ये सब कुछ जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब हमने इसको बॉईल होने तक वेट करना है। यहाँ पे हमारा चिकन रेडी हो रहा है। ये देखिए बहुत ही मज़े की शक्ल आ रही है इसकी, और इसका लिंक आपको आई बटन को क्लिक करने से मिल जाएगी ये वाली रेसिपी। और ये बहुत मज़े की बनती है तवा टिक्का बिरयानी। आप अपने घर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। जब तक पानी को बॉईल आते हैं, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखिए नाज़रीन, पानी को बॉईल आ गया है। अब हम इसके अंदर राइस डालेंगे। राइस मैंने बासमती के लिए, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। ये देखिए नाज़रीन, मैंने राइस डाल ली है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इनकी। अब हमने इसे चावलों को तब तक पकाना है जब तक इसकी एक या दो कनी बाकी रह जाए, क्योंकि इसने दम में पकने हैं, इसलिए हमने इसे 1 या 2 कनी ही रखना है चावलों को कच्चा। ये देखें हमारा चिकन भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसमें। मिलते हैं 10 मिनट के बाद आपसे। ये देखें हमारी स्क्रीन, राइस बिल्कुल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसे हम छान लेंगे पानी को। ये देखिए नाज़रीन, चावलों को मैंने छान लिया और आप देख सकते हैं एक एक कनी अलग है इसकी। और अब मैं डालूंगी एक कढ़ाई के अंदर, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि राइस हमारे नीचे ना लगे। इसको हम अच्छे से फैला देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे राइस। देखिए एक एक राइस चावल इसका अलग है। ये अब चिकन लिया थोड़ा सा, ये बहुत ही मज़े की बनती है, ये देखें। अब इसके अंदर हम राइस डाल देंगे फिर से राइस की तरह। अच्छे से सारा मसाला हमने इसके अंदर डाल देना है। ये बहुत मजे की बनती है। हमने सारे राइस डाल लिए इसके अंदर। अब हम इसके अंदर लेमन डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे साबुत, हरा धनिया डालेंगे,
और चिकन टिक्का की रेसिपी आपको आई बटन क्लिक करने से मिल जाएगी। बहुत ही मज़े की बनती है ये बिरयानी। और अब हम इसके अंदर ज़र्दा रंग डालेंगे। अब हमने इसे रख देना 5 से 7 मिनट के लिए दम पे। अब मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। ये देखिए नाजरीन, हमारे चावल हो चुके हैं दम से। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, ये देखें। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है और बहुत मज़े के लग रहे हैं। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं, एक एक चावल बिल्कुल अलग है और बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी आने वाली वीडियो से, ताकि आप बाखबर रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मैं आपको टेस्ट करके भी इसे बताती हूँ कैसी बनी है। ये देखिए बहुत ही मज़े की इसकी शक्ल आई है। बहुत मज़े की लग रही है। आप भी अपने घर में इसी तरह बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आ रहा है और फुल स्पाइसी बिरयानी बनी है। आप भी अपने घर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा चिकन टिक्का बिरयानी। और हमारी आने वाली वीडियोस को इसी तरह देखते रहिएगा। खुदा हाफिज़।